क्या आप भी कॉम्बी ओवन खरीदने की सोच रहे हैं? अगर कॉम्बी ओवन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ भी कमी, कुछ फायदे, क्यों ज़रूरत है, आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या आपका काम आसान होगा, नहीं होगा, इसी विषय में ये वीडियो है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NRB रेफ्रिजरेशन सॉल्यूशन कंपनी, और मैं आपका दोस्त और होस्ट नीरज शर्मा। हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें इसी तरह की वीडियो के लिए। कॉम्बी ओवन होता क्या है, मेरे को क्यों चाहिए और मैं इतने पैसे क्यों खर्च करूँ? कॉम्बी ओवन का मतलब इसमें सब बनेगा, सब पकेगा। बेकरी के लिए केक बनेंगे, प्रूफिंग भी होगी, तंदूर के भी सारे काम करेगा, स्टार्टर के, स्टीमर का भी काम करेगा, चावल बनाओ, इडली बनाओ, ढोकला बनाओ, इसमें सब पकेगा। और हाँ, जो आजकल चल रहा है ना, एयर फ्राई, यानी कि तेल में तलने से बढ़िया है समोसे को इसमें रख के कम तेल में पकाओ, वो भी करेगा। तो एक कॉम्बी ओवन आपकी 50 चीज़ों को बनाएगा। आप अपने हिसाब से रेसिपी सेट करेंगे, और एक बार अगर आपने रेसिपी सेट कर ली तो एक बार बन गया तो चाहे रामू बनाए, चाहे श्यामू बनाए, चाहे कलीम बनाए, एक ही टेस्ट रहेगा, क्योंकि आप हो गए डिजिटल। हमारी वीडियो पसंद आए तो फिर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मैं कह रहा था कॉम्बी ओवन क्यों जरूरी। कॉम्बी ओवन आपको अपने होटल के टेस्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि एक जैसा टेस्ट है, पता पड़ा कल को कारीगर चला गया, दूसरा बना रहा, वो टेस्ट नहीं आ रहा, रेसिपी की सेटिंग नहीं है। 7 ट्रे, 12 ट्रे, इन सब का काम करेगा, और जल्दी करेगा, इंस्टेंट फास्ट करेगा, इससे फास्ट कोई नहीं करेगा। तो कॉम्बी ओवन कई कंपनियों के आते हैं, रैशनल का आता है, यूनोक्स का आता है, आपका बेस्ट फोर का आता है, और भी कई कंपनियों के आते हैं, पर ये बेस्ट ऑफ, ये बटलर का है। अगर किसी भी कॉम्बी ओवन में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट में बोल बता के पूछ सकते हैं। तो चलिए, हम आ गए हैं बटलर के कॉम्बी ओवन। ये 12 ट्रे का कॉम्बी ओवन है। ये क्यों बनाई है वीडियो में, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा किस लिए बनाई है। ये 12 ट्रे का कॉम्बी ओवन है। इसमें हमको 3 फेज़ का कनेक्शन चाहिए होता है, 6 mm की वायर में, 5 कोर में, 3 फेज़, 1 न्यूट्रल और 1 अर्थ, और 2 पानी के कनेक्शन चाहिए होते हैं, वो भी RO के 100 TDS से कम। और ये देखिए, हमने ये लगाई है इसमें पानी की मोटर, इसे बोलते हैं प्रेशर मोटर। इसमें पानी का प्रेशर सेट होता है, इसको हम 2 बार का प्रेशर सेट करवा लेते हैं। ये क्रिप्टन या हैवेल्स किसी भी कंपनी की आपको मिल जाएगी। अपने को क्या है, RO का पानी चलाना है, 2 बार का प्रेशर सेट करना है। ये एक मेगा किचन है जहाँ पर टेस्टिंग R&D होती है, उन्होंने अपना यहाँ बनवाया ताकि इनको अपने प्रोडक्ट की R&D करके एक बार यहाँ रेसिपी सेट हो गई, फिर इनके जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर ये उसको बना सकते हैं। फिर ये नहीं है कि जी आपने हल्दीराम का समोसा यहाँ खाया तो बढ़िया लगा, और वहाँ नोएडा में खाया ख़राब लगा, और आगरा वहाँ खाया तो और बेकार लगा। हर जगह एक जैसा टेस्ट मिलेगा। पानी का प्रेशर में वाल होना चाहिए सबसे पहले, और 2 बार का प्रेशर देख रहे हैं, ये गेटवे वाल ये भी चाहिए ताकि कल को पानी का प्रेशर बंद करना पड़े देखने के लिए, तो ये भी। और ये 12 ट्रे का, अब मैं बताता हूँ ये काम कैसे। ये स्टीम का है, इसमें आप स्टीम के प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें 99% ह्यूमिडिटी रहती है और टेम्परेचर मैक्सिमम 120 डिग्री रहता है। अभी इसमें आपको बताऊँगा इसका फ़ायदा क्या क्या, धीरे धीरे पूरी वीडियो देखिएगा। अभी हमने ये चला के देखा, इसको ऑन करा, अब इसको हम करते हैं बैक। एक मिनट को, क्यों नहीं, हाँ हो गई। अभी ये है स्टार्टर और ये है इसकी प्रोग्राम। पहले ही ऑलरेडी कम से कम इसमें 500 से 700 रेसिपी हैं, लेकिन अगर हम अपनी कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं, जैसे ये थी, अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे एडिट होती है। आप इस पे, आपने सबसे पहले रेसिपी का नाम ऐड करना है। ये टच स्क्रीन है, इसमें एक एंड्रॉयड भी आता है, वो भी दिखाऊंगा। टच स्क्रीन है ये डिस्प्ले। अभी इसमें हमने रेसिपी का नाम अभी हाल फिलहाल AA सेट कर दिया। देखिए, इसमें 165 सेंटीग्रेड है और एक मिनट, 90% ह्यूमिडिटी है और 10 मिनट का टाइम है, ठीक है जी। अभी इसको हमने 120 से ऊपर जाता नहीं है, वो हमने सेट कर दिया। अब हमने इसको, एक रेसिपी को कितने फेज में बना सकते हैं, मतलब पहले गर्म आँच में, फिर धीमी आँच में, फिर स्टीमिंग में, ऐसे इसमें कम से कम 10 से 12 स्टेज है। अभी जैसे हमने 150 सेंटीग्रेड कर दिया दूसरी स्टेज में, और हमें स्टीम नहीं चाहिए। अब तीसरी स्टेज में फिर हमने इसमें ऐड कर दिया, अब हमने 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया इसका, 80 कर दिया हमने, ह्यूमिडिटी 90 कर दिया, और टाइम कर दिया इसका 3 मिनट लास्ट के। टोटल हमारी रेसिपी बनी 13, 10 और 10 20 और 3 23, 23 मिनट की रेसिपी।
तो आप इसे सेव कर सकते हैं अपनी रेसिपी को कितने आइटम में कितनी देर के लिए, कि पहले आइटम मैंने गर्म पकाना है, फिर थोड़ा धीमी आँच में पकाना है या स्टीमिंग में पकाना है, जिससे कई बार नॉनवेज में चूजी बनाता है, या अपनी अपनी रेसिपी, अपना अपना सिस्टम है। तो ये तो रहा रेसिपी सेट करने। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ये स्टोर में। ये देखिए ये स्टोर है, ये है खरड़ में स्थित है, फ्लाईओवर के पास स्टोर। पहले ये तंदूर में काम करते थे, अब इन्होंने तंदूर हटा दिया है और ये कॉम्बी ओवन है। इसमें क्या है, ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ के साथ इसमें पिज्ज़ा भी बनाते हैं, इनका पिज्ज़ा भी बनता है। इन्होंने पहले पिज्ज़ा की मशीन ले ली, बाद में कह रहे हमें पता नहीं था, नहीं तो हमारे साथ पिज़्ज़ा की मशीन के पैसे बच जाते। अभी ये देखो क्लीनिंग मोड लगाया, क्या बता रहा है, नो वाटर, क्योंकि पानी का प्रेशर नहीं आ रहा। अब ये इसीलिए वीडियो बनाई, इसे ये एंड्रॉयड डिस्प्ले है, इसको एंड्रॉयड डिस्प्ले बोलते हैं। देखो इन्होंने पानी के लिए आर ओ वाटर ले रखा, बट इसमें पानी का कनेक्शन नहीं है। आ गया, हेलो सर, इनको हमने बताया कि सर ऐसे ऐसे करना है, इन्होंने देखा ठीक है हम ऐसे करते हैं। रेसिपी पे गए, जो सेट कर रखे उस पे गए, नीचे आए, खाते हैं आपको तंदूरी चिकन पे गए, ओके कर दिया। अभी 183 है, 270 टेम्परेचर, मतलब 250 डिग्री आएगा अब में जब चलेगा, ठीक है ना। अभी रुक जाओ, पहले प्री हीट होने दो, ठीक है। 69 70 आ गया, ओके हो गया, आ गया प्री हीट। दरवाज़ा खोलो जी, लगाओ। ये चालू हो गया, ठीक है जी। अगर आपका भी रेस्टोरेंट या होटल और किसी भी किचन इक्विपमेंट से रिलेटेड परेशानी है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और अपनी परेशानी। तो ये देखिए दोस्तों, अब दोबारा इन्होंने अपने रेस्टोरेंट को अपग्रेड करा। ये देखिए इन्होंने पूरा सील पैक कर दिया है, तंदूर वाली समस्या बिल्कुल ख़त्म, कोई हीट नहीं। अभी इन्होंने जो एक नई चीज़ लगाई है वो ही बताऊंगा। देखो इन्होंने बिल्कुल ऐसे कर दिया है जैसे अपना आइसक्रीम पार्लर होता है, बिल्कुल गिलास लगा करके पैक कर दिया। जो पानी की समस्या इनकी चल रही थी वो भी हमने, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे ब्लोअर। ये क्या करता है, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो जो 200-250 डिग्री का टेम्परेचर आता है ना बाहर, वो एकदम ऊपर शक कर लेता है। ये देखिए इनको बताया गया था, इन्होंने पानी का पीछे से आरओ भी ले रखा, फिर भी फिल्टर लगाया। उसके बाद इनको बाद में पानी का प्रेशर की मोटर लगानी पड़ी ताकि पानी का प्रेशर पूरा बन जाए। तो ये दो बार का प्रेशर सेट करवाया इसमें और अब हमारी मशीन हो गई है बिल्कुल ओके। ये हमने 2 गेट वाल के साथ लगा दिया पानी का पाइप, ये पानी का पाइप आ गया मशीन के अंदर। एक रिंसिंग का होता है, एक वाशिंग का होता है, एक जो काम करता है मशीन को धोने का, और एक मशीन को काम करता है टेम्परेचर को स्टीमिंग के लिए। ये इसका रेड कलर का पाइप है जो इसमें केमिकल यूज करते हैं उसके लिए, जॉनसन जॉनसन का आता है। ये देखिए, आप भी अगर कॉम्बी ओवन ले रहे हैं तो सबसे पहले आरओ का कनेक्शन रखिए, पानी का प्रेशर रखिए, 5 कोर की तार रखिए और कम से कम 6 mm की तार रखिए। ये देखिए रेसिपी, ये लेकिन उन्होंने बनाया है मलाई। अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी भी किसी तरह की किचन इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आप कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।